इन दिनों कोविड-19 का प्रभाव पूरे देश में देखा जा रहा है। बिहार में भी दिन ब दिन कोरोना के पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं और अब बिहार के कोसी और पूर्णिया प्रमंडल के सातों जिले भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। पूर्णिया प्रमंडल के कटिहार और अररिया में केस की बढ़ोतरी होने के साथ साथ अब सहरसा प्रमंडल के सहरसा में भी कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ने लगे हैं। सहरसा जिला के जिलाधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि अब सहरसा में कोरोना पॉजिटिव के 10 केस हो चुके हैं। पिछले 3 केस के साथ आज के 7 केस जोड़ दिए जाएं तो कुल 10 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं और उनको क्वारंटीन करने के लिए 3 कंटेंट जोन बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जो कोरोना पॉजिटिव के केस पाए जा रहे हैं वो महाराष्ट्र के नंदबाग से आए हुए ट्रेन के मदरसा के बच्चे हैं और जांचों उपरांत यह पुष्टि हुई कि वह कोरोना पॉजिटिव हैं। अन्य लोगों के भी सैंपल लिए गए हैं, जांच के लिए भेजा गया है। उन्होंने जिलेवासियों से भी अपील की कि घबराने की जरूरत नहीं है, जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और जिला प्रशासन जिले के वासियों के लिए हर संभव सहायता के लिए खड़ी है। कोविड-19 के पूर्व में जो 3 पॉजिटिव केस थे उसके अलावा 7 पॉजिटिव केस और मिले हैं, तो टोटल पॉजिटिव केस की संख्या 10 हो गई है। ये सभी 10 जो केसेज आए हैं वो नंदुरबार से जो ट्रेन आई थी 6 तारीख को, उसमें से जो बच्चे थे उनको रैंडम सैंपलिंग लिया गया था, उन्हीं का पॉजिटिव आया है। और जो पॉजिटिव आने के बाद जो विभागीय निर्देश में जो आवश्यक कार्रवाई की जानी है उसको हम लोग कर रहे हैं। इसमें 5 बच्चे सहरसा बस्ती के हैं, 1 बच्चा सनहोरा सिमरी का है और 1 मदनपुर सोनवर्षा प्रखंड का है। तो 3 कंटेनमेंट जोन हमारे बन रहे हैं, तीनों में जो आवश्यक कार्रवाई करना वो किया जा रहा है। हम लोग सभी बच्चों को पुनः बुला रहे हैं उनके सैंपल कलेक्शन के लिए और साथ ही साथ सभी बच्चों के घरों में जो है उनका टेस्टिंग किया जा रहा है ताकि उनका भी 1-2 दिन के अंदर सैंपल लेके हम लोग उनका सैंपल भेज के जाँच कर पाएं। कितने अभी जो टोटल 180 बच्चे आए थे उस ट्रेन से, इसमें कि 40 बच्चों का रैंडम सैंपल लिया गया था। उस 40 बच्चों में से 21 बच्चों का नेगेटिव आया सैंपल, 7 पॉजिटिव आया है और 12 अभी भी अवेटेड है, रिजल्ट अभी पेंडिंग है। पूर्व के 3 जो थे वो तो ट्रेन से ही हम लोग हॉस्पिटल ले आए थे तो वो इस काउंट में नहीं है। तो ये आंकड़ा है और 140 बच्चों को और सैंपल लेना है, जो कार्रवाई अभी की जा रही है।